नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। और एमपी तक एक बार फिर दर्शकों के बीच आ गया है मौसम का हाल लेकर। जैसा कि हमने दर्शकों को लगातार जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में बारिश का जो दौर है वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पहले मॉनसून की बारिश और अब मॉनसून के साथ चक्रवाती तूफान के चलते मध्य प्रदेश के ऊपर नए सिस्टम के डेवलप होने के चलते मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होती हुई दिखाई देगी। आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए अनुमान जारी किया गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कुछ जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट है, यानी कि यहां पर बिल्कुल भी बारिश होती हुई दिखाई नहीं देगी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महाकौशल, विंध्य और खासतौर पर भोपाल संभाग में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बता दें कि पिछले लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब अब फुल हो चुका है, भर चुका है, जिसके बाद कोलार डैम, कलियासोर डैम और भदभदा डैम, ये 3 डैम जो कि राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, इनके गेट्स खोलने पड़ गए। इसके अलावा भोपाल के आसपास के जिलों में भी यही हाल रहा। नर्मदा नदी लगातार उफान पर चल रही है, खतरे के निशान पर बढ़ती हुई नर्मदा नदी फिलहाल दिखाई दे रही है और यही हाल बेतवा और मध्य प्रदेश की दूसरी नदियों का फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान का असर गुजरात से हटकर अब मध्य प्रदेश पर खासतौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते भारी बारिश का सामना मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 72 घंटे मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद थोड़ी बहुत राहत जो है वो मध्य प्रदेश में बारिश से मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी भोपाल और मध्य संभाग में भारी बारिश होगी। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में भी हाई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।